नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए आलू चाट। चाट के लिए आलू लिए हैं। आलू को एक दो पानी से अच्छी तरह धो लिए हैं। धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, चाट के लिए सबसे पहले चटनी तैयार कर लेंगे। कुकर में हम डाल दिए हैं आलू, पांच आलू लिए हैं। आलू में हम डाल देंगे पानी, कुकर का ढक्कन लगाएंगे। आलू को पका लेंगे, गैस चालू करेंगे। आलू में एक से दो सीटी आ जाने देंगे। ये देखिए आलू में तीन सीटी आ चुका है, गैस बंद करेंगे। कुकर को ठंडा हो जाने देंगे। ये देखिए हमारा कुकर ठंडा हो गया है, आलू को चेक करेंगे। ये देखिए हमारा आलू पक गया है, आलू को ठंडा हो जाने देंगे। ये देखिए आलू को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिए थे, आलू हमारा ठंडा हो गया है। आलू को हम छील लेंगे। ये देखिए पांचों आलू को छील लिए हैं। आलू को छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। आलू अपने पसंद से छोटे बड़े काट सकते हैं। चाट बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए आलू चाट के लिए हम चटनी तैयार कर लिए हैं। इसमें हम दो हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा अदरक, एक कप धनिया पत्ती, दो से तीन चम्मच पानी डाल लिए थे, चटनी तैयार कर लिए हैं। इसमें हम तिहाई चम्मच भुने जीरा का पाउडर लिए हैं। साथ में हम डाल देंगे सेंधा नमक। नमक मिर्च अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। छोटे चम्मच में चौथाई चम्मच पिसी मिर्च लेंगे। साथ में हम डाल देंगे नींबू। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें हम एक नींबू लिए हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा चाट तैयार हो गया है, चाट को निकाल लेंगे। ये देखिए प्लेट में हम चाट को निकाल लिए हैं। चाट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।